नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपकी भी नींद रात को इस खास समय पर खुलती है तो हो जाइए सावधान। दोस्तों, नींद हमारे जीवन का अविभाज्य अंग है। नींद सिर्फ शारीरिक तौर से ही नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी सेहतमंद बनाती है। अच्छा जागरण हमारी चेतना के विकास और जीवन में सफलता के लिए जरूरी है। बताया जाता है कि रात्रि के पहले प्रहर में सो जाना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, लेकिन आधुनिक जीवन शैली के चलते ये संभव नहीं होता। पहले तो कोई जल्दी सोना भी चाहे तो ये सोशल मीडिया जैसी चीजें उसे सोने नहीं देती। जैसे तैसे इंसान देर रात सोने की कोशिश करता है, फिर अगर अचानक से नींद खुल जाए तो परेशान हो जाता है, क्योंकि नींद टूटने के बाद फिर दोबारा सोना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। विज्ञान कहता है कि रात के तीसरे पहर में नींद एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश करती है, हल्की हो जाती है। इसी वजह से कई लोग अचानक से जाग जाते हैं। नींद पूरी न होने से कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती है। वैसे तो बाकी किसी भी समय पर नींद खुल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर नींद हर दिन एक विशिष्ट समय पर खुले तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये कोई आम बात नहीं है। इस दुनिया में व्यक्ति के जीवन में कोई भी चीज बेवजह नहीं होती। यहां तक कि व्यक्ति जब नींद में सपना भी देखता है तो उस सपने का कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। नींद खुलना आपके जीवन में हो रहे बदलाव की तरफ संकेत करता है। इसको हल्के में लेना आपको भारी पड़ सकता है। दोस्तों, आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो बस समझिए ये वीडियो आपके लिए ही है। इसे आखिर तक देखिए और जान जाइए इसके पीछे की वजह क्या है। दोस्तों, अगर आप जल्दी सोना चाहते हैं और आपको रात में 9 से 11 बजे के बीच में नींद नहीं लगती है तो हो सकता है आपको कोई चिंता सता रही है, आप मानसिक तनाव में हैं। सुकून भरी नींद और तनाव की गहरी दुश्मनी है। आपका दिमाग तनाव मुक्त रहता है तब आपको अच्छी नींद आती है। इसके लिए आपको ध्यान करना होगा, चित्त को एकाग्र करना होगा। आप ठंडे पानी से चेहरे को धोकर सकारात्मक मंत्रों का जाप करें। आप अपने जीवन के खुशी के पलों को याद करें। इस तरह से दिल को बहलाकर आप तनाव को कम कर सकते हैं। इससे ना केवल आपको तनाव से छुटकारा मिलेगा बल्कि आपको एक अच्छी नींद भी मिल सकेगी। ऐसे ही आप रात्रि 11 से 1 बजे के बीच में अचानक सोते हुए उठ जाते हैं तो भी आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं। आप खुद को भरोसा दिलाएं, जो होने वाला होगा वो तो होके ही रहेगा। चिंता की चिता में जलने से कुछ नहीं होगा, उल्टा सेहत भरी नींद लेकर सुबह ताजगी भरे मन से आप समस्याओं का निपटारा करने में अधिक सक्षम होंगे। और अगर ऐसी चिंता की कोई बात नहीं है तो कहते हैं कि रात 12 बजे के आसपास के समय में अगर आपकी नींद खुलती है तो इसका मतलब हो सकता है कि कोई अनजान शक्ति आपके आसपास रहकर आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, जो आपको जीवन के उद्देश्यों के प्रति जागरूक कर रही है। इससे आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। दोस्तों, रात में 1 से 3 बजे के बीच का जो समय होता है वो सबसे ज्यादा गहरी नींद का समय होता है। अगर इस वक्त आप अचानक जाग जाते हैं तो ये दर्शाता है कि शायद आपका यकृत यानी कि लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी जरूर है। ये आपके चिड़चिड़ेपन को भी दर्शाता है। अगर बहुत कुछ आपने अपने मन में अपने दिल में छुपा कर रखा है, आप व्यक्त नहीं हो पा रहे हैं और गुस्सा नाराजगी आपके मन में है तो अक्सर ऐसा होता है। ऐसे में ठंडा पानी पिएं, थोड़ा ध्यान करें, ईश्वर का नाम स्मरण करें, भरोसा रखें आपके जीवन में फिर से सुकून लौट आएगा। कहते हैं यदि रात में 12 से 1 बजे के बीच आप कोई सपना देखते हैं तो वो सपना आने वाले 3 साल में सच हो सकता है, और 1 से 2 बजे के बीच देखे गए सपने कहते हैं साल भर में सच साबित होते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, यदि आपकी नींद अक्सर 3 बजे के करीब अचानक रोज खुलती है तो इसका मतलब हो सकता है कि सृष्टि की दिव्य शक्तियां चाहती हैं कि आप उठें, प्रभु की आराधना करें, परमात्मा का जाप करें, क्योंकि बहुत सी शक्तियां आपसे मिलने के लिए आपके अंदर समाने के लिए बेताब हैं। और दोस्तों, अगर आपकी नींद रात 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो थोड़ा सावधान हो जाएं। हो सकता है आपको फेफड़ों संबंधित कोई परेशानी है,
या फिर हो सकता है ऐसा किसी शक्ति के प्रभाव के कारण हो रहा हो। सुबह 3 से 5 के बीच का समय अमृत वेला कहलाता है। इस दौरान कई अलौकिक शक्तियों का प्रभाव भी रहता है, तो संभावना है कोई अदृश्य शक्ति आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है जो आपके जीवन के प्रति जागरूक हैं। ये अनजान शक्ति आपको हमेशा सजग रखने का प्रयत्न करती रहती है। आपके जीवन में आने वाले बहुत बड़े बदलाव की ओर ये इशारा करती हैं। वो हमें सतर्क रहने के लिए कह रही होती है ताकि जिंदगी में आने वाले बदलावों को झेलने के लिए हम तैयार रहें। और दोस्तों 3 से 5 बजे के बीच आंख खुलने का मतलब है कि आपके घर में धन धान्य में वृद्धि होने वाली है, आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। सुबह जल्दी उठना केवल मन के लिए ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है और सुबह उठने के कुछ धार्मिक लाभ भी होते हैं। तो इस समय आंख खुलने पर लंबी सांस लें, जितना हो मन में सकारात्मक विचार लाएं, बजरंग बली को एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दोस्तों कुछ लोगों को सुबह जल्दी उठने की आदत होती है, लेकिन अगर आप गहरी नींद सो रहे हैं और अचानक घबरा कर 5 से 7 बजे के बीच आपकी आंख खुल जाती है तो ये दर्शाता है कि आप दिल से बहुत ज्यादा दुखी हैं, दर्शाता है आप भावनात्मक दृष्टिकोण से बहुत कमजोर हैं, कोई चीज आपको भाव प्रणवता से रोक रही है। आपकी नींद रोज सुबह 5 से 7 बजे के बीच खुलती है तो ये आदत दर्शाती है कि आप बहुत क्रियाशील है। असल में इस समय आपकी ऊर्जा का प्रवाह बहुत अधिक होता है, इस समय आप सबसे ज्यादा ऊर्जावान हो सकते हैं। सुबह जल्दी उठ जाना, 5 से 7 बजे के बीच उठ जाना भी एक अच्छी आदत है। शास्त्रों के मुताबिक व्यक्ति को सुबह में सूर्य के उदय होने से पहले ही उठ जाना चाहिए, क्योंकि हिंदू शास्त्रों में ये मान्यता है कि जिस भी व्यक्ति को सूर्य भगवान स्वयं आकर जगाते हैं उस व्यक्ति के जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं होता। इसलिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि वो सूर्योदय से पहले ही उठकर स्नान इत्यादि करके ईश्वर की पूजा, जप, तप, ध्यान, नित्यकर्म पूरे कर लें। इसके अलावा दोस्तों सुबह उठकर अपने घर की सभी खिड़कियां और दरवाजों को खोल दें ताकि सूर्य की किरणें आपके घर में प्रवेश कर सकें। घर के आंगन की सफाई अच्छे से कर लें ताकि माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो। दोस्तों सुबह उठकर सबसे पहले ईश्वर का नाम स्मरण करें, ईश्वर को धन्यवाद दें कि हे ईश्वर, आपकी वजह से ही मुझे ये जीवन प्राप्त हुआ है, आपकी वजह से ही मुझे ये खूबसूरत समय देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है और आप ही के कारण मुझे अपने जीवन में सही राह देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हे प्रभु, अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें, यदि मेरी ओर से कोई भूल हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा करें। फिर धरती पर पैर रखने से पहले धरती माता से प्रार्थना करें, हे धरती माँ, मैं अपने कदम आपके ऊपर रखने जा रहा हूँ, आपके आशीष से मुझे सही मार्ग मिल जाए। उसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपनी हथेलियों के दर्शन करें। हथेली के अग्रभाग में माता लक्ष्मी निवास करती हैं, मध्य में माँ सरस्वती का निवास है और पूरे हाथ में श्रीकृष्ण गोविंद का निवास होता है। अगर आप अपनी हथेली को सुबह उठकर देखते हैं तो आपको माता लक्ष्मी, देवी सरस्वती और भगवान श्रीकृष्ण के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। और जो भी व्यक्ति दिन की शुरुआत इन तीनों के दर्शन से करता है उसे जीवन में सफलता जरूर प्राप्त होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।